नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। कन्नौज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के हत्थे चढ़ा चोरी करने वाला सातिर गिरोह। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद में कई चोरियों को दे चुके हैं अंजाम। चोरी की गई सामान भी पुलिस ने की बरामद। 5 अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर भेजा गया जेल। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कस्बे में कई चोरियां हुई। तालग्राम, तिरवा, गुरुसरगंज कस्बे में हुई चोरियों का संबंध इस गिरोह से बताया गया। इस गिरोह ने जनपद में कई चोरियां की हैं। इस गिरोह में 7 से 8 लोग हैं जो मोटरसाइकिल द्वारा रेकी कर फिर घटना को अंजाम देते थे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी की कई घटनाओं का माल इनसे बरामद किया गया। इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सब लाइन टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। अधीक्षक महोदय के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है और उसमें कस्बे में कई चोरियाँ हुई हैं, तालग्राम में, गुरसाईगंज में, तिरवा में, उसी के क्रम में हमारे सर्विलांस टीम के प्रभारी कुलदीप दीक्षित की टीम और प्रभारी निरीक्षक तिरवा आमोद कुमार सिंह की टीम द्वारा कुछ मुखबिर की सूचना पर प्राप्त होने पर अपराधी पकड़े गए, जिनमें से इनके पास से तालग्राम में हुई चोरी, गुरसाईगंज में हुई चोरी और तिरवा कस्बे में हुई 4 चोरियों का माल बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने भेजा जा रहा है। इस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। नाबालिग भी है इसमें? अभी नाबालिग तो नहीं है, 18 वर्ष उम्र बता रहे हैं। अगर उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, अगर नाबालिग होंगे तो उनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, किस तरह घटना को अंजाम देते थे ये लोग? बता रहे हैं कि हम लोग पहले मोटरसाइकिलों से रैकी करते थे उस क्षेत्र का, और ये देखते थे कि अगर कोई जान जाए या पकड़ने का प्रयास करे तो भागने का रास्ता कौन सा होगा हमारा, तो सुरक्षित प्लेस देख के उसके बाद ये रात में चोरी करते थे। या तो किसी तरह कुंडी खोल लेते थे या फिर वो छतों से घुस जाते थे। सीढ़ियों का प्रयोग, अगल बगल पड़ी हुई कई सीढ़ियाँ हैं उसको भी ले जाके वो प्रयोग करके चढ़ जाते थे। कुछ और खुलासे हो सकते हैं? हाँ, इनसे अभी और पूछताछ की जाएगी, विवेचना की जाएगी। अभी इनके कुछ साथी भी बाकी हैं जिनकी तलाश की जाएगी। अभी कितने पकड़े जाएंगे? अभी 5 लोग पकड़े जाएंगे।